हैप्पी बर्थडे रखना ना। हाउ टू ईट मोर एट बारबेक्यू नेशनल। बारबेक्यू का आसियार हो कि चला टिप्स एंड ट्रिक्स लोगों को, लेकिन बेसिक है। धीरे धीरे खाए, धीरे धीरे। घर वाले नीचे मेरे को बुला रहे हैं कि नीचे आ जा, पहले नहा ले फिर जाएंगे बारबेक्यू, बट मेरे को नहाने का प्लान आज नहीं है। तो व्लॉग में कितने ओपनली बोल रहा है मेरे को नहाने का प्लान नहीं है। वही तो बोल रहा हूँ, ये वाला थंबनेल कैसा लग रहा है भाई? बढ़िया लग रहा है, मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। जाओ देखो ये वाले वीडियो, अगर नहीं देखे 394 व्यूज ओनली, जाओ जाओ। हैप्पी बर्थडे रखना ना। शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल गिफ्ट जो कि आप देने वाले अभी। ये फोटो नहीं, ये वीडियो चल रहा है। कोई बात नहीं, हम वीडियो में भी पोस्ट देते हैं। ही इज दीपू, मेरा छोटा भाई जो कि आया है सालेपुर से। गाड़ी से अपन उतर तो गए थे बट मैं अपना गिम्बल लेना भूल गया था। सो गाइस अभी नॉर्मल ब्लॉगिंग छोड़ के आज अपन ट्यूटोरियल देने वाले हैं, और वो ट्यूटोरियल ये है कि हाउ टू ईट मोर एट बारबेक्यू नेशन। ओके, ऑल टोटल 7 लोग आए हैं हम, और जा रहे हैं अभी अपन बारबेक्यू नेशन, और देखते हैं सबसे ज़्यादा कौन खाता है। मैं ही खाऊंगा भाई, क्या बोलना है इसमें। चलो वो लोग अभी जा रहे हैं। पापे और मानस भी पहले ही पहुँच चुके हैं, क्योंकि सीट बुकिंग का टाइम 15 मिनट है। यहाँ पे फ्री सीट बुकिंग मिलता है, सो 15 मिनट के बाद वो किसी को भी हैंड ओवर कर देंगे वो सीट। दैट्स व्हाई वो लोग आए थे बुकिंग करने, और बुकिंग हो चुका है। तो हम लोग अभी 4 लेकिन ना ये सीढ़ी में चल के आने का प्लान किसका था? या मतलब थोड़ा अभी झड़ाना है तुमको अपने अंदर से, ताकि ज़्यादा खाते मौसी 3 सेकंड कहाँ चढ़ला पड़े से। बारबेक्यू का आसियार हो कि चला टिप्स एंड ट्रिक्स लोगों को, लेकिन बेसिक है। धीरे धीरे खाए, धीरे धीरे। बारबेक्यू नेशन में ज्यादा खाने के पहला नुस्खा, ये आलू वाली चीजें मत खाना। कभी भी आलू मत खाना, डायरेक्ट जंप करना प्रॉन चिकन मटन के। दोस्तों सबका खाना आरंभ हो गया है, पर हमारा नहीं, अभी आरंभ होने वाला है थोड़ी देर में, हम वेट करें। अब अगर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के हिसाब से जाना है तो आपको वेट करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। और हाँ, टिप्स एंड ट्रिक्स का मेन चीज़ तो मैं बताना भूल ही गया, आपको पिछले वाली रात खाना है, और बारबेक्यू से आने से पहले आपको एक ग्लास नींबू पानी पी के आना है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। अच्छा ओके, सो आपको अपना ऑफिशियल खाना इधर से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेट्स गो। And now this should be your second food. Chicken के बाद next prawn पे जाना है। ऐसे नहीं खाना चाहिए भाई, अपन देसी हैं। जितने चाहो उतने prawn खाओ, क्योंकि prawn ही एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके पैसे और पेट अच्छे से भरा है। दिमाग हिल गया क्या? सोच समझ के करना जो कुछ करने का है। कि रखना ना, बहुत बढ़िया तरीके से तुम इसे सजा के लाए हो, बहुत बढ़िया दिख रहे हैं, और थैंक यू सो मच। बहुत से फोटो उठे थे, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। आज का सबसे बेस्ट खाना कौन सा लगा? डेजर्ट जो कि तुम अभी तक खाए नहीं, बस देखती भर गया। स्टार्टर अपना हो चुका है खत्म, और मैंने बहुत सुना कि बारबेक्यू नेशन का बिरयानी बहुत टेस्टी होता है, तो चलते हैं अभी लेते हैं एक प्लेट बिरयानी। ओके मानस भाई, मेरे से पहले 12 गुलाब जामुन खा चुके हैं, तो मैं पहले 12 खाऊंगा, तुम भी चैलेंज नहीं चलोगे? ठीक है। राखी ने खा चुके हैं 11, मानस भाई खा चुके हैं 12, मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया, तो मेरे को अभी 11 पहले खाने। तो इधर अपना चैलेंज अभी थोड़ा सा स्टार्ट होने वाला है, और इधर ऑल टोटल कितने? 13 पीस ना राखी ना, तुम एक पीस लो। सो अभी गुलाब जामुन का चैलेंज चल रहा है, और है 20 पीसेस कैलकुलेट होगा, ऑल टोटल अभी 20 20 20 तीनों थाली में आ चुके हैं। अभी होगा चैलेंज, कौन सबसे पहले 20 कंप्लीट करता है।
अभी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, गुलाब जामुन चैलेंज। हम तीनों ने 12 12 12 करके खा चुके, तो टोटल भी हो चुके हैं न्यूट्रल। अभी हर किसी की थाली में है 20 गुलाब जामुन। लेट्स सी कौन सबसे पहले। 1 2 3 स्टार्ट। मैं सोचा था मैं जीतूंगा, पर सबसे पहले मैं मुंह में तो डाल लिया था, फिर उसके बाद चबा नहीं पाया। देखो भाई, अब अपना खाना वाना पूरा हो चुका है खत्म, और हम लोग आ चुके हैं बारबेक्यू के बाहर। और बाहर आने के बाद ये सीन देखने वाले, बारिश और हम लोगों का गाड़ी बहुत ज्यादा दूर में। गाइस, अभी बारिश तो हो रहा है पर इतने भी जोरों की नहीं, तो कोई टेंशन ज्यादा नहीं है, अपन धीरे धीरे करके जा रहे हैं। भाई बहुत जोरों की बारिश हो रही है। मुँह कौच भाई, आज हमें जितनी जन बारबेक्यू नेशन जाए थे समझते लंच खाए जाए थे, लंच डिनर तापर डिनर किसी जन ब्रेकफास्ट भी खाए गए जानी मो बढ़िया लोग। अब भाई सो क्या इरादा है आज रात का डिनर का? आज रात का डिनर करेंगे आसमान पे। सच में डिनर के टाइम वीडियो बनाना। सच में आसमान पे मतलब? चलो देखता।